आज हमारे पास है लेक्सिस IS 250 2008 मॉडल। इसमें कस्टमर का कहना है कि इंजन चेंज किया, अभी बहुत ज़्यादा मिसफेयर आ रहा है। तो उसने इंजन चेंज करने के बाद गाड़ी का अंदर मिसफेयर है, तो वो हमारे पास गाड़ी लेकर आया। तब इसको डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। ABS लाइट भी आन है, इंजन लाइट, ट्रैक्शन लाइट, ये सब आन है। तो अब इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये मिसफेयर आ रहा है और ये लाइट किस वजह से ऑन है। कैसे हम लोग स्कैनर के जरिए आसानी के साथ लाइव डाटा में ये चेक कर सकते हैं कि कौन से सिलेंडर में मिसफायर है। तो ये V6 इंजन है, IS 250 2007। तो इसमें बहुत सारे कोड आ रहे हैं। इसका जो मेन कोड है P0352 इग्निशन कॉइल नंबर 2 कनेक्टर इशू। तो P0352 तो इसका जो दो नंबर इग्निशन कॉइल है उसमें मसला है। तो अभी देखते हैं लाइव डाटा में कि लाइव डाटा में हम अगर कोड ना भी हो तो लाइव डाटा में हम कैसे इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे मिसफेयर है। तो कोड हमने डिलीट किया, फिर भी वही कोड आ रहा है। अभी लाइव डाटा में देखते हैं कि लाइव डाटा में हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। जो सिलेंडर सही काम कर रहा होता है वो 00 उसका वैल्यू होगा, और जिस सिलेंडर में मिसफेयर होगा वो उसमें चेंजिंग होगा, कभी 1, कभी 2 और कभी 5-6। तो निशान गाड़ियों का भी यही सिस्टम है, उसमें पावर बैलेंस के ज़रिए हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। और जो लेक्सिस गाड़ियाँ हैं, खासकर अमेरिकन लेक्सिस, तो हम इसको लाइव डाटा से मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन से सिलेंडर में मिसफेयर है। क्योंकि एक एक इग्निशन खोलना, इग्निशन कॉइल खोलना और चेक करना मुमकिन नहीं होता है। तो ये जो इग्निशन कॉइल नंबर 2 है वो 0.05 है और बाकी जो है 00 है। तभी देखते हैं इग्निशन कॉइल नंबर 2 में क्या मसला है, इग्निशन कॉइल ख़राब है या क्या मसला है। ABS की कोड भी आ रहा है, तो उसको भी डायग्नोस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 00 नहीं आ रहा है, 5.00 है। तभी ये रहा इंजन, ये V6 इंजन है, इसलिए इसका जो पैसेंजर साइड ब्लॉक है वो Bank 1 है, ये Bank 1 है, और जो ड्राइवर साइड है वो Bank 2 है।
किसी इंजन में भी एड इंजन होता है तो वो ड्राइवर साइड बैंकवान होता है, तो इसमें जो ये साइड है राइट साइड ये बैंकवान है। तो हमारा दो नंबर इग्निशन कॉइल था, तो ये दो नंबर है, तो ये दो नंबर इग्निशन कॉइल है। अब इसको देखते हैं कि क्या मसला है। अभी हमने इसका अंदर इग्निशन कॉइल को चेंज किया है, यूज वन फिक्स किया है। अभी बिल्कुल गाड़ी जो है स्मूथ हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। तो इग्निशन कॉइल का अंदर मसला था, लेकिन इसका जो चेक इंजन लाइट है वो अभी भी आ रहा है। अभी इसका जो कोड है इसको इरेज करते हैं। इसमें एक दूसरा कोड भी आ रहा था AF सेंसर का, ऑक्सीजन सेंसर बैंक टू सेंसर वन। बैग टू सेंसर वन कौन सा सेंसर है उसके बारे में भी बात करते हैं। बैग टू सेंसर वन, तो इसका चेक इंजन लाइट ऑन, ABS लाइट भी ऑन है, चेक इंजन लाइट चला गया है, लेकिन ये पीर आ गया है। तो इसमें मिसफायर का फॉल्ट तो दूर हो गया है, लेकिन इसमें जो अभी कोड आ रहा है वो ऑक्सीजन सेंसर का कोड होगा। इसमें जो कोड आ रहा है बैंक टू सेंसर वन AF सेंसर का कोड आ रहा है। तो बैंक टू सेंसर वन कौन सा सेंसर होता है, तो अभी लोकेशन बताते हैं इसके बारे में, बाद में इसका ABS डायग्नोस करेंगे। ABS में क्या मसला है, ABS का लाइट क्यों आ रहा है, ट्रैक्शन लाइट भी आने हैं और ABS का लाइट। तो ABS का कोड इसलिए आ रहा है कि उसका जो फ्रंट स्पीड सेंसर है, राइट फ्रंट स्पीड सेंसर, उसका वायर कट गया है या सेंसर ख़राब है, फ्रंट राइट, उसके बारे में दूसरा वीडियो बनाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं लोकेशन बताऊंगा इसका AF सेंसर बैंक टू सेंसर वन, ये बैंक टू सेंसर वन कहाँ पे लगा होता है। हीटर सर्किट का मसला है, P0051 AF सेंसर हीटर सर्किट P0051 सब यही कोड आ रहा है। तो इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन है। तो अभी इसका लोकेशन है, अभी तो इसका सेंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इसका लोकेशन बता देते हैं। P0051 बैंक टू सेंसर वन, तो ड्राइवर साइड का बैंक टू है और सेंसर वन का लोकेशन यहाँ पर लगा हुआ है, दो सेंसर के ऊपर। ये सेंसर में भी मसला है, इसको भी चेंज करना चाहिए। ये बैंक टू सेंसर वन इसको करता है।